so we have some more news which is coming in from the national capital and the capital has been shamed yet again a 10-year-old girl studying in class 5 was allegedly gang-raped by a peon and his associates from a civic body-run school now the incident took place on march 14 when the acute school peon uh, took the minor to an unknown location and then allegedly gang-raped her the 54-year-old peon has been arrested while his associates are still absconding now the civic body has issued an official statement over the same uh, saying the accused peon was suspended immediately after the incident came to light and not just that show cause notices were issued to the school principal and teachers for not taking prompt action now delhi commission for uh, women chief swati maleval has issued notice to delhi cops and the civic body over this horrific crime demanding action at the earliest

देखिए बिल्कुल शर्मनाक ये घटना है दस साल की ये बच्ची है और ये बताया जा रहा है कि स्कूल के बाहर ले जाकर जो ये प्यून है जिसका नाम अजय बताया जा रहा है जिसकी उम्र चौवन साल है ये अपने कुछ साथियों के साथ इस छोटी बच्ची के साथ जो है ये बलात्कार जैसी घिनौनी अपराध जो है उसको अंजाम दिया फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में अलग अलग धाराओं में केस को रजिस्टर्ड किया है तीन यानी कि किडनेपिंग के चार्ज में इसमें फाइल किया है इसके अलावा तीन थ्री डी यानी कि गैंग रेप चार्ज और फाइव

काम दिया है या तो किसी के साथ छेड़खानी तो नहीं की है इन सभी एंगल्स पे पे पुलिस भी भी इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट कर कर रही है स्कूल भी कर है स्कूल अपने लेवल रहा फिलहाल पुलिस ने अजय को गिरफ्तार किया है बाकी जो साथी है वो अभी फरार चल रहे हैं उनकी धरपकड़ के लिए लगातार टीमें जो है वो प्रयास कर रही है लेकिन एक बार फिर से ये बात जो है महिला सुरक्षा की और खास करके जो छोटी बच्चियां हैं जो कि स्कूल में जाती हैं उनको लेकर जो पेरेंट्स हैं वो काफी ज्यादा चिंताजनक बात है कि एक स्कूल में एमसीडी जैसे स्कूल में सरकारी स्कूल में इस तरीके के घिनौनी अपराध को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद लगातार जो कार्रवाई है वो होने की बात कही जाती है तो आप देखिए पुलिस हर एंगल पे इन्वेस्टिगेट कर रहे है इस पूरे मामले में अजय को गिरफ्तार कर लिया गया है बाकी साथियों के लिए धरपकड़ चालू है जी बिल्कुल अभिषेक बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए